माना आज एक मजे का सीन तो हुआ यार मैं जब अभी जहर की नमाज़ पढ़ा था ना तो साथ वाले नमाज के दौरान ही साथ दर बंद ना फ़ोन बजना शुरू हो गया अच्छा ये तो हम अभी वी गेट यूज टू इट ना तो अच्छा उसने सरप्राइजिंग चीज़ें थी कि उसने निकाला कॉल रिजेक्ट की और मैसेज मे करना ही शुरू हो गया ड्यूरिंग द हाँ डूरिंग द्रेय डूरिंग द्रेयर सेकंड फर्स्ट दशोद में बैठे हुए थे तो उसे कहता है मुझे लगा कि वो लिखा गया ना नमाज में ऐसे मैसेज किया

तो आज म्यूजिक पर बात करते हैं यार और यही हमारा प्लान है कि <laughs> <laughs> इसके जो डिफरेंट डायमेंशन हैं एस्पेक्ट्स हैं हम इसको खोल के बताएं कि ये चीज़ क्या है इतनी सिंपल नहीं।, नहीं है जितना हम जो सिंपल समझते हैं कि बस एक सगीरा गुना है और हमने सुन लिया तो कोई ख़ास बात नहीं है क्या आई थिंक इस्लाम पे हम बाद में आते हैं पहले uh, उसके जो जनरल इफेक्ट्स हैं जो कि बड़े कॉमन हैं उस पर बात ज़्यादा करनी चाहिए बिकॉज आर लॉट ऑफ एक्स म्यूजिशंस जिन्होंने म्यूजिक छोड़ा यू नो hmm. और देन दे हैव अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑन द यूट्यूब और वो इसके बारे में बताते हैं कि म्यूजिक hmm. uh, ने हमें कैसे अफेक्ट किया मे hmm. बी uh, मैं मैं एक बदले का सुन रहा था वो ये कह रहा था कि uh, मैं अच्छा प्लेयर था गिटार अच्छा बजाता था लेकिन जब मैं स्टेज परफॉर्म कर रहा होता था किसी कॉन्सर्ट में

पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि म्यूजिक <coughs> का इम्पैक्ट होता है और आ, सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं है एक्चुअली लिटरली फिजियोलॉजिकली भी विद फिजोलॉजिकली फ्रीक्वेंसी और वो और आपको पता है हमारा ब्रेन भी जो है इट्स ऑल अबाउट फ्रिक्वेंसीज बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें हमारा जो ब्रेन uh, है इट्स अ मैस ऑफ फ्लैश गोश्त है ना तो हाउ डू यू थिंक आप जो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ देख रहे हो तो ये किस तरह से आपके ब्रेन यानी गोश्त के टुकड़े में जा रहा है और वो ट्रांसलेट कैसे हो रहा है हाउ डू यू थिंक दैट दैट विद सिग्नलिंग एंड थ्रिक्वेंसी आपको पता है हमारे ब्रेन में आप समझ लो कि आम जुबान में ना करंट सिस्टम है एक यू नो और उस करंट सिस्टम में बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज हैं और ये जो आपकी डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं इमोशंस होते हैं इमोशनल स्टेट्स होते हैं लव हो गया हेट हो गया इस तरह की जितनी इमोशनल स्टेट्स हैं इनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं hmm. और ये जो म्यूजिक है या एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई भी हो आज हम म्यूजिक डिस्कस करें तो लेट्स टॉक अबाउट म्यूजिक ये म्यूजिक जो है ये खास फ्रीक्वेंसीज से hmm. ना हमारे जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज होती हैं hmm. उनके सर्टेन पार्ट्स को स्टिमुलेट कर सकता है ठीक hmm. है hmm. यानी एक्साइटमेंट की फीलिंग ना कि स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग रॉइम ठीक है एक्साइटिंग hmm. म्यूजिक Hmm. Sad music. Hmm. ये क्या है hmm. ये बेसिकली म्यूजिक उस फ्रिक्वेंसी पर होता है जो कि आपकी सैड इमोशनल स्टेट को एक्साइट करता है ठीक hmm. है जिससे hmm. आप सैड फील करते हो, <coughs> या कभी कभी कुछ ऐसा म्यूजिक होता है जो कि आपके सब uh, कॉन्शियस में एक मैसेज लेकर जाता है hmm. so, hmm. like hmm. hmm. kind of ताकि आपके सब कॉन्शियस में कुछ ऐसी चीजें डाल दें hmm. जो कि आपको नहीं पता लेकिन वो आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाएंगे डाउन द लाइन अच्छा no. इसमें ना बहुत सारे लोग आ, ये कहते हैं कि जी म्यूज़िक तो एक जनरल सी चीज़ है सो क्यों इतनी आप हाइप देते mm. हैं ये तो नॉर्मल एक कैजुअल सी चीज़ है और बिफोर वी मूव ऑन वी हैव टू रियलाइज कि अभी हमने म्यूज़िक की बात की है ना अगर आप पॉपुलेशन जनरल <laughs> दुनिया की बात करें एवरी अदर पर्सन लिसन्स टू म्यूज़िक अगर जनरली बात की जाए ये इज सो वाइड स्प्रेड और इसको बड़ा नॉर्मल लिया जाता है कि वही बंदे बचे हैं कि जो वाकई कॉन्शियस हैं इस लिहाज से तो इस हवाले से देखें वॉट वी हैव टू रियलाइज कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं न्यूरोसाइंटिस्ट उन्होंने कुछ लोगों का यानी एक्सपेरिमेंट किया कि उनको वो जो एम स्कैन होता है यू नो दे पुट इन दैट मशीन और फिर म्यूजिक प्ले किया गया और फिर जब उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा ना उसमें विजिबल जो है ना चेंजेस आ रहे थे और वो कहते हैं कि जो भी आपके ब्रेन के हिस्से हैं ना वेदर इट इज योर राइट साइड ब्रेन लेफ्ट है फ्रंट बैक right पूरे हिस्से को वो अफेक्ट करता है और आपने जैसे बात की ना कि देखें इग कि म्यूजिक कैसे इफेक्ट करता है कि इट गिव्स यू चिल्स एट टाइम्स इट गिव्स यू टाइम्स यू यू स्टार्ट यानी आप यू यू स्टार्ट क्राइंग, उसके बाद कभी कभी आपको जो प्लेजर मिलता है <laughs> तो इसका मतलब है कि म्यूजिक डज अफेक्ट बिल्कुल आप लोग देखें अक्सर ये स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं दे लिसन टू टाइप ऑफ म्यूजिक बिफोर गेट प्लेइंग अ बिग मैच वो अपने जो लॉकर रूम्स होते हैं उधर उस तरह का म्यूजिक प्ले करते हैं थोड़ा सा एडल रश अपना पंप अप करने के लिए ना अपना मोटिवेशन लेवल अप करने के लिए आप ये बहुत सारे हारमोन रिलीज करते हैं म्यूजिक है, ब्रो हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है ना ये जो आप रिसर्च बात कर रहे थे ब्रो एम आर आई की गई और उनको सुनाया गया हमारा लिम्बिक सिस्टम जो हमारे इमोशंस को और हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है हमारे पूरी बॉडी में ड्रास्टिकली अफेक्ट आया इसके म्यूजिक से यानी चेंज करने से और अगेन वही बात है कि ये सिर्फ फ्रिक्वेंसी नहीं है ये सिर्फ एक साउंड नहीं है रादर इवन हमारी जो हेयरिंग है ये भी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है हमारा जो साइट है ये भी एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेंज को हम देख रहे हैं हम उससे कम और उससे ज़्यादा को नहीं देख पाते सो so, जो हमारा ब्रेन है ये भी जिसे अपने पे काम करता है और पर... कुरान की फ्रीक्वेंसी <स्था> <स्था> <भी गए। स्था> नहीं, नहीं। frequency हर की है, हर हर है. हाँ। क्योंकि साउंड जो है ट्रैवल करता है एक वेवलेंथ पे ठीक है और वो वेवलेंथ बड़ी भी होती है छोटी भी होती है इट्स इसके इफेक्ट्स इतने रियल है आपको पता है अमेरिकन मिलिट्री के पास एक वेपन है जिसको वो एक्टिव डिनाइल सिस्टम कहते हैं ए डी एस यू नो इट्स माउंटेड ऑन अ कार और वो क्राउड uh, को डिस्पर्स करने के लिए यूज होता है दे थ्रो अ सर्टन फ्रीक्वेंसी और वो आपके स्किन मॉलिक्यूल्स स्किन पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको एक्साइट करता है और इतने भी मतलब बेसिकली आपके स्किन को हीट करता है जिससे लोग ना फौरन भागते हैं इधर से बचने के लिए

ठीक है। है okay. है हमारा में ना ना जब आप uh, generally zero to two एक आप एक उसको uh, I, I don't remember the exact name, लेकिन like uh, पता नहीं कौन सी होती उसके बाद uh, से लेके अप तो almost seven तक जो, है जो hmm. होती ना, hmm. ये आप uh, theta होते हैं। hmm. Now, this is where ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इस फ्रिक्वेंसी पे काम करता है so हम जो कहते हैं ना कि इफ यू टू टीच अड कुछ भी ना जो कुछ उसकी दे, जो अपवन आपसे खाएंगे ना वो उसके वक्त ब्रेन में हो गया नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ योर ट्रेनिंग इज डन वंस यू क्रॉस सिक्स एंड आफ सेवन ना अब आपका वो ब्रेन पता है कब एक्टिव होता है ये एक्टिव होता है ये ये फ्रिक्वेंसी तब आती है जब हम सोने वाले होते हैं जो थोड़ी सी आप गूदगी की स्टेटमेंट बिल्कुल जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप उससे पहले आप इस फ्रीकवेंसी पर होते हैं उसके बाद आप इससे लोअर पर चले जाते हैं तो इवन आपने जो हिप्नोसिस या आपने बच्चों को ट्रेन करना दिस इज बड़ी वेरी गुड टेक्निक एक फादर है ये एक्चुअली उन्होंने खुद स्टोरी बताई थी एनएलपी hmm. में तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी बेटी थी ना वो उसका बहुत कॉन्फिडेंस शेटर हुआ था कि मैं एग्जाम पास नहीं कर सकती मुझसे तैयारी hmm. नहीं होती hmm. कहते हफ्ता रहता था कहते जस्ट बिफोर गोइंग टू बैड ना मेरे साथ लेटता था और वो जब स्लोन में उसके ना आई आईज टू विस्पर पॉजिटिव थिंग्स इन हर माइंड

So, इज़ रियल बता रहा हूँ कि अब हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे कॉन्शियस ब्रेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हम हो जाते हैं हमारी अगेन वी आर वर्किंग्वेंसी शाम में रात में थके हुए होते हैं जिस हमने कहा ना अब आप जब डाउन होंगे ना तो अब आपको और किसान का म्यूजिक अट्रैक्ट करेगा जब आप कुछ म्यूजिक होगा जो आपको एनर्जाइज कर रहा है सो इज इज हैपनिंग कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं और ये जो वेव्स हैं ये आपके माइंड के साथ इस तरह प्ले करती हैं आप अपने एक लेवल पर हैं और डिफरेंट चीज़ उनके वो उसको सिर्फ ना यानी ये नहीं है यानी एक जर्मन रिसर्चर है उसका नाम है हैनरेज विलहेल बड़ा नोन है ठीक है उसकी बड़ी रिसर्च भी हैं उसकी बड़ी इजाजा भी हैं वो कहता है उसने ये किया बाइनोरल बीट्स के नाम से हाँ एक रिसर्च की कि देयर आर सम बीट्स Which heavily affect a person's थिंकिंग हाउ वी थिंक्स एंड behaves. आपने देखा नहीं कि कोई बच्चा है जिसको म्यूजिक का लफ्स नहीं पता आप <laughs> म्यूजिक प्ले करते हैं उसकी जो है ना हिप्पी हिलने शुरू हो जाती <laughs> है ना हाँ, उसके है। उसके हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं हाउ डज इट हैपन क्योंकि वो तो

उट म्यूजिक इट इज नथिंग एट ऑल अच्छा इमेजिन गोइंग टू अ जिम इमेजिन गोइंग टू अम विदाउट म्यूजिक टर्न ऑन यानी जब हम दौरे झल्ली बात करें तो आप जिम

अगर आपने देखना हो ना कि किसी को इफ़ यू यूटीट टू सी यू यू नो इफ़ टू जज अ ट्री जस्ट चेक फ्रूट्स कि इसके फ्रूट्स क्या हैं yeah. तो आप देखें ना हम म्यूजिक uh, जब सुनते हैं जनरली आपको पता है कि सो टू से जो सेलिब्रिटीज uh, हैं या सिंगर्स हैं yeah. तो अपेरेंटली तो बड़ा ये uh, जो है हम सो टू से फैंस या फॉलोवर्स बन जाते हैं बट लुक एट दिज पीपल्स लाइव अगर आप yeah. इनकी जिंदगी को देखें और थोड़ा सा डिप इन करें ना बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इसी वजह से म्यूजिक छोड़ा कि यार इनको तो हम बड़ा एक मोटिवेशनल आइडेंटिटी समझते थे कि ये तो हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें यानी वो mm -hmm. दिलाते हैं लेकिन जब उनकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं दीज पीपल आर डिप्रेस ब्रो ब्रो हैवी मेटल देख लें आप dark, इनके so, जो है आप suicide. ये पंक पंक रॉक देख लें आप जो जिस तरह का ये कल्चर है यानी गौथ कल्चर गौथ कल्चर, कल्चर इज़ अ वेरी डार्क थीम्ड कल्चर इनके गौथ कल्चर में दे ऑलवेज वेयर डार्क क्लोदिंग दे ऑलवेज

I mean, okay. I used to rap even, <laughs> लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखें back then ये जो M &M नहीं है मदर hmm. hmm. अपनी माँ को गालियाँ देता, hmm. गालिया देता है अपनी वाइफ को गालियाँ देता है और ये खुद कहते हैं ना ये इनकी अपने खुद एक्सपर्ट्स ही कहते हैं कि दिस पीपल दे टॉक अबाउटेक्टिव फाइन वुमेन उनको objectify करते हैं इसके साथ साथ दे टॉक अबाउट ड्रग्स जो, hmm. जो hmm. ना hmm. 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 ड

तो उसमें लिरिक्स इवन चाहे पाकिस्तानी इंडियन बॉलीवुड ये गाने भी होते थे इसमें बड़े बेशक आशकाना वाले होते थे लेकिन म्यूजिक कम और लिरिक्स पे फोकस ज्यादा और इतने भी बेहूदा नहीं होते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो बेहूदगी भी बढ़ती गई और म्यूजिक का इन्फ्लुएंस भी आता गया और जो हम बात करते हैं ना अभी सबकॉन्शियस ब्रेन की आप म्यूजिक से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और लिरिक्स पे आप आप जो कह रहे हैं लोग फोकस नहीं कर पाते लिरिक्स आप रहे कॉन्स्टेंटली हमारी ये ब्रेन वॉशिंग चल रही है जो आपने एमएनएम की बात की ये येवी मेटल डेथ क्या अजीब अजीब अब थोड़ा सा मतलब गौर करे ना ये बात क्या कर रहा है मार दो फलाने अजीब ये 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 मर्डर कर यही तो डिप्रेशन यही यही तो डिप्रेशन कर तो फ्लो करवा रहे होते हैं अब देखिए चेस्टर बेनिंगटन ये जो लिंकन पार्क का जो लीड गिटारिस्ट भी था और इसके वर्ल्ड वाइड इसकी एल्बम्स जो हैं सेल हुई हैं अब इसकी लिरिक्स देखे ना लिरिक्स सुने कि आई ट्राइड सो हार्ड बट गॉड सो हार्ड बट इन दी एंड इट डजन इवर मैर यानी

The one should try to get away from these things. अब आप ये केपॉप की बात करें आयरन ओ हमें तो अल्लाह uh, का शुक्र है बहुत अरसे से इन चीजों से दूर हुए हैं but you know uh, we get to नहीं know, नहीं know तो bro नहीं नहीं? I yeah airports अल्हम्दुलिल्लाह <laughs> we use it यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी जी शुरू कर कंटिन्यू यार आपने कोने इमेजिन करें कि वो कोरियन जुबान में बात कर रहे हैं hmm. समझ कुछ नहीं आ रही बट दे वॉन्ट टू डांस विद द बीट और यही जो लोग हैं दीज पीपल आर इन दे ट्वेंटीज और मेरे पास लिस्ट आप जो के यार, के है ब्रो अब क्या की तो इसमें कहते हैं कि 25-25 साल इनकी उम्र होती है देर इन टू डिप्रेशन देर आर मैनी फीमेल सिंगर्स Hmm. वो डिप्रेशन में जाके दे हैंग और एक तो आप देखे ना एक और केप ऑफ सिंगर में आपके उस, you know, hmm. ना उसका नाम है अब वो इतनी डिप्रेस थी अपनी जिंदगी से जो उसने लास्ट फाइनल नोट लिखा कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो ये पब्लिश कर देना जरा आ hmm. कहती आई फील एवरी थिंग इज एमटी एंड आई एम अगेन वॉकिंग डाउन अ पाथ टू रीच अ डेस्टिनेशन दैट आई डोंट नो

एक हिजाबी सिस्टर कहती है, मैं नमाजी हूँ पत्नी और सब कुछ कहते सब छोड़ दिया है बीटीएस नहीं छोड़ रहा मुझसे बड़ा कॉमन है अच्छा इसमें एक, 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 एक किसकी बात कर रहे हैं पाकिस्तान एप्टाबाद में एक इंस्टीट्यूट

और दिस डिप्रेशन फाइनली मी है और फिर कहता है आई वॉज सो अलोन आई मीन लिटरली यानी so, सो आता है ना ऐसे हुँ. लोगों के ऊपर और एंड में कहता है इस दुनिया से जाने से पहले प्लीज टेल मी आई डिड अ गुड जॉब कि मैंने अपनी जिंदगी को जया नहीं किया प्लीज मेरी अप्रिसन कर दो थोड़ी बहुत और उस वक्त उसकी उम्र सत्ताईस साल थी हुँ. और ही डाइड इन दी होटेल यानी

सॉरी मतलब हाँ uh, इतना आसान है रिसर्च आप आपने शुरू में आती शुर हाँ है लोग हैं जो इनका जैसे कहते भंडा वो तो फुड़ चुके हैं आपने ड्रग्स ये तो कॉमन है ही है और साथ जुड़ी हुई चीज है इफ यूर म्यूजिशियन ड्रग्स ये हो नहीं सकता आप कह कर रहा ये नहीं होता और आपने जितना ऊपर जाते जाना उतना आपने कुफर में ऊपर जाते जाना उतना आपने शैतान की परस्तिश करनी, करनी है उसका वर्षअप करनी है सो बेसिकली तभी आ, हमारे उल्मा कहते हैं ना कि शैतान का जो कुरान है वो म्यूजिक है, और आप आपके दिल में, अगर आपके दिल में शैतान का, का कुरान है तो हमारा जो असल कुरान है उसकी जगह नहीं या फिर ईद भी एक दिल के अंदर म्यूजिक का शौक और मोहब्बत और कुरान की शौक मोहब्बत नहीं हो जो म्यूजिक सुनते हैं ना अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं उसे कुरान लगा दें तो, ये तो यार मुझे बातें करते हैं ना करते हैं। बंद से कुछ से बात करनी है मैंने। भी भी और तीन तीन घंटे का सफ़र है उसमें म्यूजिक सुन रहे हैं कोई मसला नहीं है लेकिन जब कुरान प्ले होगा फील के यार ये क्यों ऐसा बिल्कुल इमाम मालिक से ही पूछा गया ब्रो के ये बताएं म्यूजिक के बारे में क्या ख्याल है आपका कहते हैं ये मुनाफिक की ट्रेट और खसलत है और इमाम मालिक यानी इमाम अहमद हमरमल भी कहते हैं कि ये फासकीन की मोहब्बत है यानी जो फासिक हैं गुनागार लोग हैं वो उसे मोहब्बत करते हैं और ब्रो इसमें कोई डाउट नहीं है यानी अच्छा कुछ होता है ना कि ठीक है आप लोग सही कह रहे हैं ये आपको एक ट्रांस में ले जाता है आपको एक डिप्रेशन में ले जाता है और सब कुछ है ब्रो दिस इज़ राइट वन एवर वी लिसन टू म्यूजिक वी गो टू वी यूज टू गो टू स्टेट ऑफ ट्रांस ठीक है डिफरेंट लेवल अच्छा फील करना बट जब हम म्यूजिक सुनना छोड़ते थे बैक टू वन फिर आपको दोबारा अच्छा फील करने के लिए म्यूजिक सुनना पड़ता है एंड देन यू गो टू दैट लेवल ऑफ ट्रांस अच्छा ये आपको जानना पड़ता है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू बिकम सो डिपेंडेंट ऑन दैट म्यूजिक कि आपको गाड़ी में आपको वॉशरूम में आपको घर पे आपको हर टाइम म्यूजिक सुनना पड़ता है इन ऑर्डर टू फील गुड तो मौसीकी रूह की गजा नहीं है रादर कुरान रूह की गजा है जब मैंने ये छोड़ा ना ब्रो और मैं कुरान सुनना शुरू किया

तो अबू बकर और कहा कि शैतान के टूल्स अल्लाह के नबी की, की प्रेजेंस में तो वसल्लम ने ना उनकी इस बात को डिनाई नहीं किया कि शैतान के टूल ये नहीं होते म्यूज़िक मतलब कहा कि ये दफे ये अलाउडा अजीत का दिन है ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम में भी ना कुछ इन्जॉयमेंट की गुंजाइश है Hmm. यानी दफ के जिहादी नशीद और आपने जो वो आपने बोला ना कि इस नाम में भी एंजॉयमेंट की कुछ गुंजाइश है hmm. अब यू नो पीपल विल टेक जस्ट दिस सेंटेंस एंड यू नो एंड फिल इन देयर ओन डेफिनेशन ऑफ पीपल यू सी Saying के यार इस्लाम इतना भी सख्त नहीं है इस्लाम में एंजॉयमेंट इंजौ, की जो गुंजाइश है तो उसकी अपनी वो करते हैं और बीच बात की तो के के ने ने तो उसको शैतान अच्छा के जो टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स को नेगेट नहीं किया तुम गलत बात कर रहे हो और इवन ब्रो अब्दुल्ला बिन उमर एक जा रहे थे तो उनको ना फ्लूट की आवाज़ आई तो उनके जो शगिर थे नाफे उन्होंने अपने कान में हाथ डाले अब बिन ने और नाफे से कहा कि अभी आवाज़ आ रही है अभी तक उन्होंने कहा नहीं अभी तक नहीं आ रही बिकॉज नाफे वॉज यंगर तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के नबी के साथ था और हम एक वादी से गुजर रहे थे तो अल्लाह के नबी को भी ऐसी फ्लूट की इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है उन्होंने कान में हाथ डाल लिए और मैं छोटा बचा था तो मुझसे पूछा कि कहीं तुम्हें तो अभी तक आवाज़ आ तो नहीं रही यानी यही रसुल्ला जिन चीज़ों को सुन के कान में हाथ डाल रहे हैं मेरा और आपको वो पैशन हो और हम उसे शदीद किस्म की मोहब्बत करें भाई hmm. इसमें ना आ, हमारे लिए ना जानना बहुत जरूरी है कि हो सकता है कि बंदा यानी एंड में भी ये समझ ले कि यार व्हाट्स द बिग डील अगर मैं म्यूजिक सुनता हूँ तो इत, क्या इतना hmm. यार मसला हो hmm. ब्रो आप यकीन करें कि आ, मैं किताब पढ़ता इब्न हूँ इब्बनकैम रहमहुल्लाह की hmm. फान फी मसाइद शैतान इब्न इब्नकयम ने ना रहमहुल्लाह उन्होंने पूरा एक चैप्टर बांधा है म्यूज़िक के ऊपर hmm. और क्या ज़बरदस्त बातें की हैं और इतनी स्ट्रॉग बातें की हैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा शेयर करूँ आपके साथ उनमें ना कोट करते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद मसीन का जो जो उनकी सेंग है कहते हैं अलगैना युम बितफाक फ़िलकल्ब कमा युम बित्मा अजहर के जो म्यूज़िक है दिल के अंदर निफाक को ऐसे बढ़ाता है ग्रो करता है जैसे पानी जब खेती को दिया जाता है जैसे खेती बढ़ती है ना इस तरह म्यूज़िक निफाक को बढ़ाता है दिल के अंदर और इसका ऑपोजिट बताया गया है कि देखें जो जिक्र है ना अल्लाह का जिक्र तिक्रिकर युम बितमान फ़िलकल्ब कमा युम बित्मा अज़ह जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है ना तो उसके दिल के अंदर ईमान ऐसे ग्रो करते हैं कि जब पानी दिया जाता है किसी खेती को और खेती बढ़ती है और इसके साथ साथ जैसे आपने भी कहा ना कि सलफ़ साल तो कहते थे ये कुरान शैतान है ये जो म्यूज़िक है और फिर ये सो so so कुरान और शैतान व रहमान फी बिन अबा कि शैतान का कुरान विच इज़ म्यूजिक और रहमान का कुरान कभी भी एक दिल में इकट्ठे नहीं, नहीं हो सकते नहीं और नहीं नहीं नहीं। मैं आपको बताऊं सीरियसली आपने बताया ना कि क्यों होता है ऐसे कि बंदा जब म्यूजिक में इतना इन्वॉल्व होता है और जब कुरान की आवाज़ उसके जहन में पड़ती उसके कानों में पड़ती है तो बिल्कुल उसको जो है ना बिल्कुल एक अजीब सी एक खलबली होने शुरू हो जाती है ओला के नबी के मैसेज को सप्रेस करने के लिए भी जो कुफार मक्का ने टूल यूज किया था वो डांसिंग नाच गाना तालियां और म्यूजिक तो था और कुरान में आता है ना सूर्य लकमान आय नंबर सिक्स में वमिनस hmm. में यश श्री लहुल हदीस लहुल हदीस के बारे में अक्सर सहाबा अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं वल्ला दिस इज़ म्यूज़िक वल्ला दिस इज़ म्यूज़िक इसी से मुझे ये सवाल अब आप बताएं कि वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन व्हाई देर आर सम स्कॉलर्स हु से दैट म्यूजिक इज़

म्यूजिक जो है ना वो आ, हराम है ठीक है ये बाद में आके जब थोड़े जब लोगों ने खेले one और list, वो क्या जब थोड़ा सा यानी एक इस्लाम का सॉफ्ट इमेज डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी हारमोनी हार्मनी हार्मनी वाला कल्चर जब होगा तो उन्होंने कहा अच्छा क्योंकि म्यूजिक सुन रहे बिकम सो कॉमन यू फील दिस ये जो आपने पहले बात की ना कि वन सैन वो भी रसूल जिनको अल्लाह की नबी की की। मतलब, म्यूजिक म्यूजिक गाना बजाना है तो इससे बड़ा मुफसर कौन हो सकता है इससे हदीस ही पता चलती है ना जैसे रसूल ने फरमाया कि वक्त आएगा लोग म्यूजिक को भी हलाल कर लेंगे जिसमें लोग चार हराम चीजों को हलाल कर लेंगे अच्छा अगर आप कहते हो ना हराम का लफ्ज तो नहीं है तो मुझे बताओ फिर अल्कोहल सिल्क और जो इंटरेस्ट है ये क्या है फिर रिबा बिल्कुल रिबा क्या, है।, क्या है फिर तो चौथी चीज भी यानी चौथी हलाल होगी तो आपने फरमाया कि इंटरेस्ट को मैन वेयरिंग सिल्क को अल्कोहल को और चौथा म्यूजिक को और ये भी जो चार पांच लोग हैं ना जिनका मैंने बताया कि फ्यू पीपल पता नहीं स्कॉलर्स भी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए ये भी अपनी जो आ, स्टार्ट करते हैं ना ये इस चीज से करते हैं वो हदीस को बहुत ज्यादा रिगार्ड करते ही नहीं है ना बिलीव इन हदीस एज सच उस तरह से कुरान को ही सब कुछ hmm. समझते हैं क्योंकि हदीस में तो बड़ा क्लियरली जैसे आपने भी बताया ना और इस और भी कई हदीस है, है। बड़ा क्लियरली म्यूजिक को जो है ना हराम करा अच्छा इंटरेस्टिंगली इवन ये भी जो है ना ये भी हैवी मेटल और उस वाले म्यूजिक को प्रमोट ये भी नहीं करते सही बात है इवन आप जो लीनियन से लीनियन स्कॉलर भी निकाल लोगे ना जो कहीं गुंजाइश लगाने की कोशिश करेगा वो वो कहेगा लिरिक्स तो इंसानों वाले होने चाहिए ये

लोग म्यूजिक बहुत सुनते हैं तो कुरान प्ले करते हैं आ, तो उनको बड़ी तंगी होती है अब अलहमदुल्लह दीन पे पूरी तरह आने के बाद आप किसी रेस्टोरेंट में जाते कहीं जाते म्यूज़िक प्ले होता है तंगी होती है कि नहीं होती बहुत तंगी तंगी होती है यार इतनी उलझन होती है ना बिकॉज अलमदुल्ला जब आप म्यूजिक छोड़ दें और कुरान पे आ जाए ना तो म्यूजिकली आपको जब कुरान के दिल में मोहब्बत है ना ब्रो म्यूजिक की मोहब्बत नहीं हो सकती ब्रो यही कहते हैं ना कि जो बंदा जितना हराम करता है ना ज्यादा हराम में इन्वॉल्व होता है उसमें म्यूजिक भी शामिल है तो उससे नेकी की ताकत छीन ली जाती है इसीलिए जब वो नमाज में खड़ा होगा तो सुस्ती के साथ खड़ा होगा और वो निफ़ाक अंदर आ जाता है ना वह काम सलामो कु और वो फिर इबादतें भी जब करता होगा ना तो वो दिल के साथ नहीं करता होगा जल्दी जल्दी बस यार एक फ्राइज पूरे करो और चलो और इसका उल्टा हुई जैसे हमने बात की ना इस वट इज द फ्लिप साइड ऑफ एट कि जितना बंदा जिक्र करता है कुरान मस्जिद पढ़ता है तो अल्लाह ताला आपकी कुवत में इजाफा कर देते हैं yeah. और विच इज़ सो प्रोफाउंड अब आगे इबीम रहा मजीद बात करते हैं कहते हैं कि देखें जनरली हमारे दीन में औरतों के लिए ख़वातीन के लिए एक डेकोरम है फॉर एग्जाम्पल इफ ए वेप्स आउटसाइड हर हाउस तो अगर उसको कोई टैक्सी चाहिए किसी दुकानदार से बात करनी है कोई अगर उसने बातचीत करनी है तो एक डेकोरम के साथ बात करिए राइट और ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अपनी आवाज में इतनी नरमी ना रखे हालांकि इसके दिल में कुछ भी नहीं है शी इज़ परफेक्टली और राइट वो अपने मिजाज़ से बात कर रही है हो सकता है जो दूसरा बंदा है उसके दिल में कोई मर्ज हो कोई बीमारी हो वो कोई इसका उल्टा मतलब ना समझ ले तो इब्न इब्लियम रहमोल्ला से जब हमारा दीन ये कहता है तो आपका उस औरत के बारे में क्या ख्याल है जो हज़ारों के मजमे में दरमियान में खड़ी होती है एंड शी इज़ बेली ड्रेस्ड उसने कपड़े भी सही नहीं पहने हुए और द वे शी इज़ स्पीकिंग और अंदर क्या इश्क की बात की जा रही है ड्रग्स की, की, की बात की जा रही है तो जो लोग तो फिर हमें वो हैश टैग टू और किस्म की चीजें मिलती है हमारे जमाने में जो एक के जो पुराने भी गाने थे ना यानी राइडिट वाला जो था ठीक है और जो पोस्ट पोस्ट बैकअप ऑन इसके जो गाने थे अब आप उनको

इनको गुमराह करो तुम्हारे मैं कुछ अथॉरिटी दे रहा हूँ मैं ठीक है जो तुम्हारे जिनपे से ताज चलेगी सिर्फ उन पे, उनपे बेसऊतिक अपनी आवाज़ है, और जो यह बेसूतिक है ना आवाज इमाम मुजाहिद राम कहते हैं कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और म्यूजिक है जिससे शैतान नाचते नचवाते नच के यार मना ले नचवाते नचवाते इंसान को ना

वो जिक्र तो कर पाते हैं बट कुरान नहीं पढ़ पा रहे होते हैं कुरान वन है। का है ना। तो वो जिक्र कर पाते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं कि आप जिक्र शुरू करें आप शैतान का जो वारा वो हल्का होगा और फिर आप कुरान पढ़ पाएंगे इसी तरह से ब्रो जो लोग प्रोजेस्ट होते हैं दे के नॉट रीड कुरान बट दे लवन टू म्यूजिक दे लव म्यूजिक दे लव सैड म्यूजिक एंड डिप्रेस शैतान सबसे बड़ा चाहता है कि मैं इसको न इंसान के औलाद को आदम की औलाद को डिप्रेशन में डाल दूँ सैडनेस में डाल दूँ एक एक कोट मैं जरूर मैं यहाँ पर जो है ना कहना चाहूँगा और ये इसमें इन लास्ट वालिबा पॉइंट हो गए मकईम रहा का एंड इस सो स्ट्रॉ एंड पावरफुल पावरफुल्ला जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा ना मैंने कहा आई डिन नॉट ट्रस्ट माई आइज़ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ कहते हैं कहते हैं कम मैंने नररातन सारत मिन हुँ। हुँ। कि कितनी ही ऐसे औरतें थीं, लड़कियां थीं, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी बट ड्यू टू म्यूजिक दे बिकेम एंड एक्टेड एज प्रॉस्टिट्यूट अच्छा जब मैंने ये पढ़ा है, मैंने बोला यार इज इट फॉर वीर मैंने दोबारा जब पढ़ा और फिर मैंने गिव इट जो भी आज आपको फीमेल सिंगर्स नजर आती हैं हो सकता है कि उनकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा वक्त होगा जहाँ पे वो जनरली नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारती होंगी दे नो पाक और जिंदगी ठीक है? है और आहिस्ता आहिस्ते उनको म्यूजिक ने यानी म्यूजिक उन्होंने सुना एक रगबत पैदा हुई अच्छा फिर फलां ऑडिशन में गए प्रैक्टिस की यहाँ से तरक्की होते होते जैसे जैसे फेम मिलती गई कपड़े कम होते गए और वलगारिटी ज़्यादा आती गई और फिर वक्त वो आ गया

कितनी वीडियो ऐसी ही है। मैंने बिल्कुल, देखी ब्रो ऊंचा म्यूजिक और फिर म्यूजिक भी चल रहा है और, हुआ रहा है और उनकी ना की आवाज भी है। आ रही है, की है, क्या हुआ? तो, ताला है। और आप म्यूजिक सुनते सुनते खड़े तलबिया बढ़ते बढ़ते ना लबाइक ऊंच से गिरे और एक ऐसे एंगल पे गिरे वो उनकी वफात हो गई तो फरमाया कि ये क्यामत के दिन लब्बिक्लाबाक पढ़ता पढ़ता उठेगा और जो शख्स जो मुसलमान क्यामत के दिन फरिश्ते सामने रबालमीन है और फरिश्ते जो है ना वजकुल नबसे में शहीद एक शहीद एक फरिश्ता और एक फाये का जो भांग भाग जा रहा है और वो म्यूजिकल वर्ड्स अपनी है क्या है इसलिए तो? ना ब्रो अगर बंदा अपनी जिंदगी जिस तर्ज पर गुजार रहा है ना, ना उसकी एंडिंग उसी पे ही होगी व्हाट गोस अराउंड अराउंड कम्स ऐसा नहीं कि बंदा अगर अपनी अयाशी करता फिरे और एंड में ये एक्सपेक्ट कर ले कि ला मोहम्मद रसूलुल्लाह जुबान पे आ जाएगा इट्स नॉट पॉसिबल और कितने जैसे आपने एक वाक्य बताया एक वाक्य ऐसे भी है कि एक बंदे ही वाज ऑन हिज डेथ बेड तो गाने लगे हुए थे वो तो एक बंदा उसने गाने बंद करके ना कुरान मजीद लगा दिया तो कहते हैं यार कुरान बंद करो वही वापस लगाओ जो लगा लगा हुआ था तो जब ये नहीं मजबूरन कुरान मजीद जब बंद किए वो लगा तो उसी वक्त उसकी जान एक और सिंह एक बंदा था अरब वर्ल्ड में

सारी फाइल्स को एक फोल्डर में डालें न्यू फोल्डर बनाए कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा दें मोबाइल पे दोबारा डाउनलोड कर लेंगे यार <laughs> मोबाइल पे मोबाइल पे सब यानी कोल्ड टर्की ब्रो कोल्ड टर्की ये तो बात सही है लेकिन द डे वी डिसाइडेड ना और अल्टरनेट दे अपने आप को हम्म विदाउट गिविंग योरसेल्फ एन अल्टरनेट ना तो ये ना अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि अगर म्यूजिक आपसे छूट नहीं रहा ना तो पहले तो ये समझ लें कि आप एडिक्शन की इसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं रियलाइजेशन रियलाइजेशन तो करें।, Realization करें।, करें।, करें करें पहले उस स्टेज पे तो आए पहली जो चीज़ होती थी ना चेंज में हमेशा वो ये होती है कि इंसान को कॉन्शियसली बात समझ में आ जाए mm -hmm. और वो मोटिवेटेड exactly. हो टुवर्ड्स मेकिंग एन एफर्ट सबसे पहली चीज तो ये है दूसरी चीज ऑल्टरनेट दें मैं तो ये कहता हूँ कि अपने दिल को ना कुरान से इतना भर लें कि म्यूजिक ना खुद ही वो निकल जाए होके ना निकल जाए इमेजिन वो एक एक्सपेरिमेंट भी है कि उसमें ना एक मट्टी वाला पानी था हाँ। उसमें उसमें पानी वो साफ पानी डालते 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 हा वो बिल्कुल प्योर हो गया मैं क्या था तो आप इसी मिट्टी वाले इस दिल में ना हम लोग हैं कुरान डालते जा डालते जाते <laughs> <जालते> जाते <जालते laughs> मैं अपनी अगर मिसाल दूँ ना यूनिवर्सिटी डेज़ में म्यूज़िक सुनते थे सारे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते थे लेकिन सुबह सुबह ना जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा होता था मैंने पहले भी <laughs> कई कई दफा <दाँग> मैंशन किया <laughs> <laughs> तो मैं मेरे होता था यार सुबह सुबह म्यूज़िक नहीं यार कारी मिशारे की सूर है वो बकरा लगाओ और है मुल्क लगाओ और इस तरह की तीन चार सूरतें थी जो मेरी ना प्लेलिस्ट में गानों के साथ ही पड़ी होती थी तो वो सुबह में ना ये लगाता था मतलब मेरी रूटीन थी

तो उनके लिए ना यानी हमारे जो हार्ट्स है ना हमारे दिल डिजीज हो चुके हैं एंड वी आर सिक एक्चुअली वन इट कम्स टू हार्ट और जब बंदा बीमार होता है ना उसके सामने उसका फेवरेट पिज़्ज़ा होगा बर्गर होगा पेस्ट्री होगी वो खाएगा उसको टेस्ट नहीं आएगा तो वही वाला हिसाब है कि हो सकता है जब भी हम अब कुरान मजिद पढ़ रहे हो ना हमें या सुन रहे हो हमें टेस्ट ना आए उसका लेकिन इन शह आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये 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 जो क्योर है बेसिकली ये जब लेते रहेंगे ना तो इनशा आपकी बीमारी भी दूर होती जाएगी और आपका जो दिल है वो सेहतमंद इस, इस सफर में ना हमें पता नहीं क्यों अल्लाह तौफ़ी से ना कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरेबिक वर्ड्स एंड कुरान का मतलब जो है जब हमने सुनना शुरू किया तो साथ, साथ कुरान के जो कॉमन वर्ड्स हैं उनका मतलब कि अल्लाह क्या कह रहा है मैं समझता तो हूँ इसने भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया तो जो भी छोड़ना चाहता है ना बंदा तो मेरी एडवाइस एडवाइस पार्ट ऑफ ये भी है कि कुरान का मतलब समझना भी शुरू करें साथ साथ आयत है साथ। साथ। ना कुरान की माँ का कब रबल करीम हाँ इसको सुने और उसकी तफसीर पढ़ें कि तुझे अपने करीम रब से के पॉप ने पी टी एस ने गुमराह किया हुआ ठीक है

और देखिए कि जो सबसे प्रेशियस जो मेरे दिल का हिस्सा है ना ये 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 मेरे रब अल आलमीन के लिए है क्या बात अगर उस हिस्से में रब नहीं है ना देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम देयर इज अ बिग प्रॉब्लम क्योंकि ईमान वाले वही हैं वल्दीन आमनु अशद हुबलिल्ला अल्लाह की मोहब्बत से आगे कोई चीज आ जाएगी ना ब्रो वो फिर डिजास्टर होगा चाहे वो माल है फेम है म्यूजिक है जो मर्जी है तो अपने को ना दोबारा सेल्फ अपने आप को यार वाकई मल्ला अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ मेरा, मेरा गोल क्या है मैं अपने रब को क्या नाराज करके मुझे तभी खुशी मिलेगी क्या यही मेरे लिए खुशी तुकि है देखिए हम हमारी पॉडकास्ट किसके लिए हम मुसलमानों से बात करें हमारी अपनी सोसाइटी में जो हमारे मुसलमान बहन भाई उनसे बात करें

Allah Allah Allah, Allah, Allah. Allah, uh, so, <laughs> जगह तो hmm. तो सबसे बड़ी जो नियमतेंता है फ़ारि और फ़ारे वक़्त जो इंसान है ना ब्रो इसके बारे में क्या उस दिन सवाल करेंगे पाँच सवाल तुमसे किए जाएंगे तुम अपने कदम मूव नहीं कर पाओगे जब तक, तक उनका जवाब ना दे दो और उनमें से एक है तुमने अपनी जवानी किस तरह गुजारी इमेजिन अल्लाह तला पूछ लें कि तुमने अपनी जवानी की रातें किस तरह गुजारी आपकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है एक नफसे करिएबा कि मैं तो ये रात मैंने म्यूजिक सुनते हुए लगे लगे तो सो जारे जारे कहां खड़े हो के आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं सामने आप ये कोई आप छोटी सी गलती अपने मां बाप के सामने खड़े हो नहीं बता सकते हमारी जो जिस तरह की रात का जिक्र किया रात लोगों की कैसी है अपने माँ बाप के सामने जाहिर किया अपने दोस्त के सामने होंगे पूरी दुनिया के सामने पूरा पब्लिश कर दिया जाएगा और सब लोग देख अभी इमेजिन के आपका जो रिकॉर्ड है वो पब्लिश है

उस दिन की जिसने गर्मी को फील कर लिया ना और अल्लाह के सामने खड़े होने को फील कर लिया वो अमा मन खाफा नफसी ही व हवा यानी जिसने अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया ना और इमेजिन कर लिया तो आज ना ये इस लेक्चर के बाद ना जरा आधा घंटा या पंद्रह मिनट चले इमेजिन करें क्या के दिन आप खड़े हुए हैं तमाम इंसान पचास हज़ार जस्ट टू स्टार्ट विध अभी अच्छा एक आयत तो एक आयत शह मैं कोर्ट करना चाहूँगा ताकि तो जरा उस दिन की सवरिटी जरा हमें मजीद वाज हो जाए अल्लाह तरमाते हैं वकीफ तक इन कफर तुम युमन या जाबा तो उस दिन तुम कैसे बचोगे उस दिन की सवियटी से जो बच्चों को बुरा कर देगी हालांकि बच्चे इनोसेंट होते हैं

हेड ऑन स्पीड में होते हैं तो वो जो पास बाय था ना कोई वहां बेसिकली उस, वो स्क्रीनशॉट्स बनाए हुए हैं तो वो कह रहे हैं कि मैंने ये देखा कि उस बंदे को जो निकाला ना वो बहुत ज्यादा मतलब उसका आधा हिस्सा गायब था और वो आ, बहुत प्रोफ्यूजली ब्लड hmm. निकल रहा था और वो ब्लू हो रहा था अचानक से ही वाज जस्ट गोइंग टू डाई और वो अपने जो आगे पीछे था ना वो कह रहा था कि मैं आई डोंट वॉन्ट टू डाई आई विल प्रे आई डोंट टू डाई

मैं अगर थोड़ा, थोड़ा सा भी सीरियसली लेता हूँ ना अपनी जिंदगी को और अपनी आखिरत को मैंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है तो no हम आज ही छोड़े ना मतलब इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी जो बंदा दीन पे भी नहीं भी है ना फितरी तौर पर जैसे अभी हमने कितनी एग्जाम्पल कोट किए म्यूजिक बंद हो जाता है रमजान में बंद हो जाता है हर बंदा कहता है यार म्यूजिक मतलब हर बंदे को पता है कि यार अज़ान हो रही है अल्लाह दोनों चीज़ें साथ साथ चल ही नहीं सकती अगर हम सीरियस थोड़े, थोड़े से भी हैं साथ साथ नहीं चल सकती तो हमारे दिल में कैसे चलते जब जन्नत में एंटर हो जाएंगे तो फ्री अलवी ने कहा ना कि तुम जन्नत में कैसे दाखिल होगी म्यूजिक के साथ कहेंगे तिब तुम। अखर। तुम पाक हो। आ, तिब तुम का मतलब है नो नो म्यूजिक 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 इन योर लव लव फॉर फॉर यानी अगर रमजान में रात को ग्यारह बारह बजे आप नहीं छोड़ सकते फिर आप किसी और साल टाइम ये भी एक मोटिवेशन है हमारे लिए भी और जो भी सुन है कि फरिश्ते ये भी कहेंगे ऐसे नेक लोग होंगे अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए कि सलाम अलैकुम बिमा सबर तुम कई लोगों की एडिक्शन हो सकता है बहुत ज़्यादा हो जाए अगर वो सबर करते हैं ना क्योंकि वो अल्लाह ताला का चेहरा देखना चाहते हैं इस वजह से वो अपने हाल पे रहम करें और अल्लाह ताला से ना दुआ करें और मैं समझता हूँ कि दुआ इतना बड़ा हथियार है मोमिनीन का यकीन करें कि आप ये नहीं

ये लेक्चर्स वगैरह सुने मुख्तर लगाए ठीक है और उनको सुने और उसके बाद भी अगर एडिक्शन हो रही है तो उस परिस इज बट आई और हिम्मत दे ये नहीं कि

तो शैतान ने पहली दफ़ा जो म्यूज़िक इंट्रोड्यूस किया था शैतान ने फ्लूट बनाई थी बनवाई थी एक बंदे से बल्कि इन्फैक्ट आता है एक जगह शायद से अपने ही उसने फ्लूट किसी ब्लैक फिट से बनवा कर प्ले अराउंड करवाई थी। और उसने एक बीच के एरिए में वहाँ के लोगों को और यहाँ के लोगों को इकट्ठे किया और इनकी एक कौम की खातानी बहुत प्यारी थी काबिल की कौम की और दूसरी कौम के गलबन मर्द ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम थे एंड म्यूज़िक के थ्रू दे अट्रैक्टेड और एक इवेंट कराया दिस इज दॉ दहली दफ़ा जेना जो शफायस्ती पर हुआ था वो वॉज ड्यूड इन इन वे म्यूजिक की वजह से hmm. Hmm. और वहाँ से फिर बदकारी या डल्टी सारी चीजें शुरू हुई थी अब आप, आप सोचें कि जो भी हम बात कर करें जो आपने जिक्र किया कि ये रुकिया तो जेना है जिना। तो जेना है ना फोक बट दिस इज़ सो ट्रू लेकिन अक्सर oh, कुछ allah लोग ये, ये भी सोच सकते हैं कि आप जो बातें कर रहे हैं लेकिन मैं तो अपनी लाइफ में इस्लामी नहीं होना चाहता मैं तो मोलवी नहीं होना चाहता फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट टू ग्रो द यू नॉट सीरियस अबाउट यू आपको लाइफ की मकसद का नहीं पता आपको आखिरत पर यकीन नहीं है यू थिंक के अभी हमने इतनी क्लियर बातें कर दी हैं बिकॉज दिस इज दिस इज ऑल्सो बिकम अ टैबू आई थिंक के आप uh, so तो हाँ, मैं तो कहता हूं म्यूजिक छोड़ने का ताल्लुक मौलवी ने चाहिए नहीं हां मैं मुसलमान हूं मुसलमान हूं से यू डोंट ग्रो योर बियर्ड ठीक है आप ना बहुत ज्यादा कोई इस्लामी बनो लेकिन कम से कम म्यूजिक और इस तरह की चीजें मैं जरी बंदा कहता है कि मैं मैं हेल्दी नहीं रहना चाहता मैं पैसे नहीं कमाना चाहता

कवाली आ, बीट बॉक्सिंग <coughs> आ, नशीद सूफी कलाम सूफ़ी कलाम क्या ख्याल है इसके वाले से ये इन तीनों को आप एक बकेट में तो डाल नहीं सकते कवाली और जो बाकी आपने सूफी सूफी नाइट हाँ इन चीज़ों को आप <laughs> नशीद और नशीद के साथ कम अज़ कम नहीं डाल सकते बीट बॉक्सिंग के साथ शायद फिर भी डाल सकते तो क्या ख्याल है कवाली के बारे में आई थिंक इट्स वर्स दैन द नॉर्मल म्यूजिक

वो सूफी कलाम और म्यूज़िक उस पर दोबारा आ गए गएनेटली सो बीट बॉक्सिंग से मैं समझता हूँ कि बीट इसमें उलमा का इख्तलाफ़ है लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मुंह का इस्तेमाल हराम नहीं है ठीक है इट्स हाउ यू प्ले इवन गिटार पे अगर आप खाना खा रहे हो या गिटार पे अगर लेके आप पेपर सॉल्व कर रहे हो वो हराम नहीं है जब गिटार को बजाओगे तब हराम है तो देर आर पीपल हु प्ले म्यूजिक परफेक्टली थ्रू बीट बॉक्सिंग अगेन मैं समझता हूँ मुसलमान की हैसियत से ना हमें इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि वही बात मैं जो नशीत भी ना आपको वाइब दे रही है थोड़ा सा अपने कंधों को मूव करने की ना

ये नहीं करना चाहिए कि नहीं, नहीं नहीं हम इतने पाक साफ़ कि हम डफ भी जो है वो यूथ हराम में मैं, मैं कुछ शादियों को जानता हूँ जिसमें जहाँ पे सिस्टर्स एक घर में बोलना और कुछ सारा, वो कलाम अच्छा वगैरह पढ़ना चल रहा होता है ठीक है लेकिन आप शायद बोलते हैं कि पी जो बोझा ये नहीं बस गिरता नहीं बस गिरता है क्या क्रेडिबल बंदा ब्रो क्रेडिबल हम गाना गाते थे वो वो दोनों इकट्ठे हो गए अब बता हमें भी इकट्ठा होना पड़ेगा ठीक है असल में हम दोनों अच्छा गाते थे अच्छा था ना आवाज अल्लाह ताला ने बची थी अब आपको क्या अब क्या पता करें यार अभी तक मोर हो गए चले यार मैं गाने पे परफॉर्म नहीं कर रहा हूं इनना लिल्लाह इनना मैं आज का था मेन लेसन के ला गई तो काश कुरान भी इतनी प्यारे आवाज से पढ़ लेते अल्लाह हाफिज़ अब अबला जी हो ये और लेके जाएंगे जब वापस चलो ये खत्म करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे आ, और जी और इंस्टेंट कोल्ड टर्की छोड़ें इंशाल्लाह और अल्लाह से हिम्मत दुआ करें और आज ही इंशाल्लाह ढूंढ रहे और हो सकता है जो कोल्ड ड्रिंक छोड़ नहीं आप बार-बार छोड़ें